Happy birthday to Shahrukh. Happy birthday to you. Happy birthday, sir. It's amazing. Thanks. बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you very much. आप सबका ऐसा जब भी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे तो लगता है यार रुलाओगे क्या. Thank you very much. God bless you all for being here and I hope you enjoyed the trailer. और जो पीछे भी बैठे हैं मुझे सब दिख नहीं रहे. But yeah, thank you girls and all the boys. God bless you. Thank you यार. Thank you. बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका. और बाकी सब बातें होती रहेंगी. I think एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भवा यहाँ पर नहीं आ सके. वो मेरठ में ही हैं तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखकर भेजी. तो मैं वो चिट्ठी पढ़कर आपको सुना देता हूँ. उन्होंने अपना गमछा भी देकर भेजा मुझे. उससे मैंने अपनी शर्ट बना ली. कच्छा भी दिया लेकिन वो मुझे फिट नहीं आया. सो मैं उनका ख़त है आपको पढ़कर सुनाता हूँ. मैं थोड़ा यहाँ रख लेता हूँ ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो. थोड़ा लंबा है दिल में थोड़ा पेशेंस रखिएगा. मुझे पता नहीं शाहरुख खान को लिखी मेरी ये चिट्ठी कौन पढ़ने वाला है. पर जो भी पढ़ने वाला है वो ज़रा बाबुलंद आवाज पढ़े. क्योंकि खान साहब आप आसमान से बस थोड़ा ही नीचे हैं. सच बहुत बोलता है ये. और मैं ज़मीन से बस थोड़ा ही ऊपर. आप तक मेरी बुलंद आवाज़ ही पहुँच सकती है. आज सुबह ही मेरठ के अखबारों से पता चला कि जन्मदिन है आपका. तो सोचा कि आपको हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया कर दूं जो सिर्फ आपने हमें दी है. मोहब्बत में अदा लाने के लिए शुक्रिया. पुल पे बाहें फैलाने के लिए शुक्रिया. किरण को किरण बुलाने के लिए शुक्रिया. बाल माथे पे गिराने के लिए शुक्रिया. चलती ट्रेन की छत पर गाना गाने के लिए शुक्रिया. और गर्लफ्रेंड और उसकी माँ को बराबर का प्यार बांटने के लिए शुक्रिया. बस यूं समझ लीजिए कि आपके अपने होने के लिए शुक्रिया. खान साहब आप में और मुझ में कुछ एक जैसा नहीं है पर उम्मीद करता हूँ कि जब भी मिलें एक दूसरे में बहुत कुछ ढूंढ लें एक जैसा. आप मुझे नहीं जानते. मेरा नाम बउआ सिंह है और मैं सिर्फ मेरठ का हूँ नहीं, मैं खुद मेरठ हूँ. मैं सहारनपुर हूँ, मैं जैसलमेर हूँ, मैं त्रिची हूँ, इंदौर हूँ, अमृतसर हूँ. इस देश का हर चौराहा हूँ, कस्बा हूँ, पान की दुकान हूँ. आपके सामने नीले सूट में बैठी लड़की हूँ, लाल शर्ट पहना वाला लड़का हूँ. आप शहर हैं तो मैं गांव हूँ, आप बादशाह हैं तो मैं फ़कीर हूँ. एक और बार जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो. थोड़ा सा आपका बाकी पूरे देश का बउआ सिंह. सो थैंक यू बउआ सिंह. वो यहाँ पर नहीं है. और अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों को सवाल जवाब भी करने हैं. ट्रेलर सबको आई उम्मीद है कि अच्छा लगा. अब नहीं भी लगा अब तो बाहर आ गया. अब तो कहना ही पड़ेगा. यहाँ बैठे कोई तो ऐसा नहीं बोलेगा कि अच्छा नहीं है. सो थैंक यू वेरी मच. मैं इन्वाइट करना चाहूँगा स्टेज पर सबसे पहले. शुड आई कॉल आनंद सर? ओके. ऐसा हम एज बिफोर ब्यूटी कर रहे हैं आज. सो सबसे पहले मेरे बहुत ही करीब दोस्त बन चुके हैं ये दो ढाई साल में. दो लोग हैं इस फिल्म में, एक हिमांशु और एक आनंद सर जो मुझे दो ढाई साल पहले मिले. और उनका एक ख्वाब था कि एक फिल्म बनाएं जो एक वर्टिकली चैलेंज पर्सन के ऊपर है और एक लड़की के ऊपर है जिसको सेरेब्रल पॉल्सी है और एक और एक लड़की के ऊपर है जो इमोशनली इनकम्प्लीट है. और मुझे इस बात में बहुत 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 फ़ख्र है कहने का कि इन दोनों का बिलीफ है जो आज ये पिक्चर ट्रेलर आप देख रहे हैं, फिल्म आप देख रहे हैं, हम सब जितने भी लोगों ने इस फिल्म के अंदर भाग लिया है. और मैं लड़कियों के तरफ से भी ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं पर हम सब का कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस टूटा ज़रूर. हमको कभी कभी लगा कि यार ये हो जाएगा ऐसा, नहीं होगा. लेकिन विजुअल इफ़ेक्ट्स टीम का, लेकिन दो इंसान हैं. अगर वो ना होते जिन्होंने ये ख्वाब नहीं देखा होता तो ये फिल्म कभी नहीं बन पाती. और इस वक्त भी बैक स्टेज जब हम खड़े हुए हैं, बीच में कटरीना का कॉन्फिडेंस टूटा, फिर उसके बाद अनुष्का का टूटा, फिर मेरा तो टूटता ही रहता है. हम अल्फाबेटिकली भी नहीं जा रहे, हम बस अपने कॉन्फिडेंस टूटता रहता है. तो ये दोनों जो हैं हमें संभाले रहते हैं. और सिर्फ अपनी फिल्म से नहीं, उस कॉन्फिडेंस से नहीं, अपने प्यार से, अपने दुलार से, और हमको बार बार गले लगा के. सो पहले मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ. अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म नहीं होती. ये फिल्म नहीं होता तो हम तीनों एक्टर्स का और बाकी सारी टीम का जो कलर येलो से है और रेड चिली से है और जितने भी लोग हैं, बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं, 2-3 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी अपना काम पूरा नहीं कर पाता. सो प्लीज़ द राउंडेस्ट राउंड समझ गए ना यार? लाउडेस्ट राउंड ना, राउंडेस्ट लाउडेस्ट राउंड ओके, लाउडेस्ट राउंड ऑफ अप्लॉज
for the man who's made this dream come true. And he's genuinely more than a director. He's a brother, he's a friend, a father figure, or set ke official halwai bhi. So please call on stage the one and only Anand L. Rai. और हमारी सारी टीम यहाँ सामने बैठी हुई है और सब आनंद सर के बारे में यही समझते हैं. अब मैं उनको आमंत्रित करूँगा जो तो हमारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं और जेन्युइनली बहुत डिफ़िकल्ट रोल्स हैं दोनों के दोनों. आनंद सर ने जब शुरुआत की थी, जैसे मैंने कहा, बिलीफ हमेशा एक आदमी का होता है, बाकी सब लोगों को उसके साथ जुड़ना होता है. सो दे वर ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सबको कभी ना कभी लगता था कि यार ये सही जा रहे हैं, ऐसा करूँ नहीं करूँ. There are so many issues actors have, stars have, me the most of them. I'm insecure at times, I'm overconfident at times, I'm happy at times, I'm extremely sad at times, I'm happy with what I've done, I'm even happier and sadder what I shouldn't have done and what has gone out of my hand, what has come into my hand, and all these things come together and make you feel loved when you do the right film. And these two girls, I'm sure, they've never expressed because they've been my friends for years and I love them the most, honestly. मेरे बहुत हैं दोनों, बहुत करीब, इतने करीब हैं कि इनको मैं डांट भी सकता हूं और मैंने डांटा भी है, उसके लिए भी माफ़ी मांगूंगा, पर्सनली आपके सामने नहीं. एंड आई वुड लाइक टू कॉल बोथ ऑफ देम ऑन स्टेज बिकॉज इफ इट वॉजेंट फॉर देम, जेन्युइनली जेन्युइनली दीज रोल्स आर सो डिफिकल्ट, सो डिफरेंट, एंड यू नो कैन मेक यू वेरी वेरी शेकी एट टाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट दे रियली एसेड इट ब्यूटिफुली विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लव. Mostly for Anand sir, for Himanshu, and then me. So please give again the loudest, roundest, whatever.